हम लोग देखिए खाने पीने के लिए भी सुविधा अच्छा नहीं है, घर भी नहीं है अच्छा, इसीलिए बोल रहे जो हम लोग को देगा अच्छा वही उसी को हम लोग वोट देंगे। मंदिर भी देखिए लूटा जा रहा है, बैठने के लिए बेचने के लिए जगह देगा उसी को हम लोग जिताएंगे। लोकतंत्र 19 के चैनल पर आप सभी का स्वागत और जोहार है। इस वक्त हम जो है चुनावी यात्रा पर निकले हैं और इस वक्त अभी जो है हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिवड़ी मंदिर आता है, हम इस वक्त दिवड़ी मंदिर के आंगन पर आए हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जो है दिवड़ी मंदिर के आंगन में कई सारे ग्रामीण है, यहाँ जो है कई सालों से कई वर्षों से कहे तो यहाँ बाजार लगाते आ रहे हैं, यहाँ सब्जी विक्रेता से लेकर हर तरीके का जो है ना ग्राहक भी आता है प्लस दुकानदार भी रहते हैं। फिलहाल आपको एक जानकारी के लिए बता दे, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र जो है 50% से भी ज्यादा यहाँ ग्रामीण एरिया पड़ता है, इसलिए जो है इस मंदिर के बाहर भी जो है कई ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है दुकानदारी करने के लिए यहाँ आते हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वे इस बार विधानसभा, ये जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे वे किसकी विधायकी देखना चाहते हैं और किसकी विधायकी नहीं देखना चाहते। फिलहाल हम यहाँ के लोगों से बातें करके जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। जोहार। हेलो। हाँ जोहार। जोहार। कैसा है, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा राजनीति माहौल है, किसको जिताने का बनाए हैं अपने प्लानिंग? हम लोग जो देगा कुछ उसी को जिताएंगे, जाए कि हम लोग बहुत गरीब आदमी है, हम लोग देखिए खाने पीने के लिए भी सुविधा अच्छा नहीं है, घर भी नहीं है अच्छा, इसीलिए बोल रहे जो हम लोग को देगा अच्छा वही उसी को हम लोग वोट देंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, 13 तारीख को वोट देने जा रहे हैं, कुछ तो सोच के रखे होंगे गांव से या खुद से कुछ तो डिसाइड? अभी तो नहीं सोचे हैं, पर हम लोग को जो बोलेगा कि आपको सब चीज कर देंगे उसी को हम लोग जिताएंगे। अच्छा, फिर माहौल किसका, माहौल माहौल किस? मंदिर भी देखिए लूटा जा रहा है, हम लोग मंदिर के भी बारे में हम बता रहे हैं, हम लोग दुकान में, हम लोग जिसे दुकान यहाँ करते हैं, हम लोग दुकान भी बोलता है नहीं लगाओ, यहाँ नहीं करो, वहाँ नहीं करो बोल के बोलता है, इसीलिए हम लोग बोल रहे जो हम लोग को बैठने के लिए बेचने के लिए जगह देगा उसी को हम लोग जिताएंगे। तो आपके जो विधायक है जो है अभी फिलहाल जो सिटिंग विधायक है वे कुछ नहीं किए इस चीज को लेकर में? कुछ नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मतलब लुटाने का बात हो रहा है, कौन लोग बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा तो देखिए सरकारी आदमी सब ना हो रहा है, यहाँ थाना अथी सब हो रहा है। अच्छा, क्या बोलते हैं विवाद हुआ है। अच्छा, इसीलिए। कितने दिन बाद आप लोग दुकान लगाए हैं? हम लोग 2-4 दिन बंद किए थे, उसके बाद फिर लगाने लगे। लगाने दिए? हाँ। कुछ रोक टोक नहीं हो रहा उसके बाद से? नहीं नहीं हो रहा। तो क्या लग रहा है यहाँ पे किसका मतलब जीतने का चांसेस आप लोगों को क्या लग रहा है? अभी तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा सब। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए और भी कई लोग हैं, हम लोग चलिए उनसे भी बातें करते हैं। फिलहाल जो है आप लोग को जानकारी के लिए बता दे, दिवड़ी मंदिर यहीं पे जो है ताला लगने का एक जो है न्यूज आप लोगों को मिला होगा। फिलहाल जो है यहाँ पे बहुत दिनों तक, कम से कम 4-5 दिनों तक यहाँ के जो ग्रामीण है दुकानदार है वो लोग दुकान नहीं लगा पाए थे, वे बता रही है। चलिए और भी कई लोग हैं, हम इनसे बातें करते हैं कि यहाँ पे क्या राजनीतिक माहौल है, जानने का प्रयास करेंगे उनकी समस्याएं क्या है, क्या समस्या है जो जिनको लेकर में वो विधायक से नाराज है या विधायक से खुश है। चलिए एक दुकानदार दादा है, उनसे भी बातें करते हैं यहाँ के माहौल के बारे में। दादा जोहार, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से है? ये सरलंगा से है। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद पात्र मुंडा। अच्छा, तो इस बार वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच कर जा रहे हैं और किसको विधायकी मतलब विधायक बनते हुए देखना चाह रहे हैं इस बार? राजा पीटर को। क्या कारण है राजा पीटर को आपका? तो फिलहाल बोलेंगे तो अभी सिटिंग विधायक विकास मुंडा है, उनका काम पसंद नहीं आया आपको? हाँ, पसंद नहीं आया। क्या कारण है, मतलब किस लिए पसंद नहीं आया? हम लोग एरिया में अभी नहीं करते हैं। अभी नहीं करते हैं? अच्छा, तो 10 साल से वो विधायक रहे हैं लगातार, कुछ भी मतलब अभी तक नहीं आए गाँव में? नहीं नहीं आए हैं, बहुत काम आ रहा है। अच्छा, तो राजा पीटर को आप सोच रहे हैं, मतलब क्या कारण है उनका, क्या कारण है? उसका तो हम ही लोग का कास्ट का है। अच्छा, और मेहमान भी है। मेहमान भी है? अच्छा, मेहमान है इसीलिए जिताने चाह रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो आपका गांव में कैसा माहौल है उनको जिताने को लेकर या किनको जिताने को लेकर, कैसा माहौल है? ठीक है, अभी माहौल
उसका जिताने के लिए। अच्छा ठीक है, और चलिए और भी कई लोगों से बातें करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा जो है उनके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, किन का हवा चल रहा है, विकास का हवा चल रहा है, राजा पीटर का या फिर प्रेम साही मुंडा का या फिर गुंजनिकिर मुंडा का। फिलहाल कहेंगे तो विधानसभा, ये जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, कहेंगे एक तरफ से कहे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, खासकर यहाँ मुंडाओं का दबदबा है। शुरू से ही यहाँ जो है मुंडा जो है प्रतिनिधि के तौर पर खड़े होते रहे हैं, विधायकी करते रहे हैं। इस बार भी कई मुंडा जो है, मुंडा चेहरे हैं, वो इस बार खड़े हुए हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कौन से मुंडा जो है इस बार जीत कर आते हैं। कुछ दीदी हैं, उन लोग से भी बातें करते हैं, बाजार करती है, यहाँ पे दुकानदारी करती है, उनसे भी राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो झारखंड में महिलाओं का भी जो है वोट पे बहुत असर डालता है उनका वोट भी। चलिए उनसे बातें करते हैं। दीदी जोहार। जोहार, कहाँ से है, क्या नाम है आपका? बाबा कुंडी से है, वोट देने जा रही हैं? जा रहे हैं। क्या लग रहा है, किसका जीतने का चांसेस बना है यहाँ पे? चार चार मुंडा खड़े हो रहे हैं। हाँ तो विकास मुंडा को दे रहे हैं। विकास मुंडा को क्या क्या काम हुआ है उनका? वोट करवा रहे हैं, जानबो नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब उनको वोट जिताना है, यही आपका कहना है ना? फिलहाल यहाँ के ग्रामीणों से बातें हो गई हैं, ये जो दुकानदारी करते हैं इन लोग अपना जो है विधायक जो है चुन लिए हैं, किनको विधायक बनाना है, किनको विधायक नहीं बनाना। फिलहाल और भी कई लोगों से हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे इस चुनावी यात्रा में जो है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में किनका हवा चल रहा है जानने का प्रयास करेंगे, और जानते हुए आप लोगों को भी दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वही वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूले। साथ ही इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जोहार।